हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर ऑडिबल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अभिषेक शासन व्यवस्था कहाँ पढ़ना है सीजीएल के लिए और जे का तो अभी कोई खोज खबर ही नहीं है फिर क्यों स्टूडेंट टाइम बर्बाद करें इस टॉपिक पर तो भाई अभिषेक चैम्प ऐसा तो कहा नहीं कि आप पढ़िए इसको सो है ना आप वेट कीजिए जे के आने का उसके बाद फिर आप पढ़िएगा है ना मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ आप इस टॉपिक को पढ़ें लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं नागवंशियों के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं और रही बात की जे में तो जे के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो लाइक like, इम्पॉर्टेंट तो होगा ही होगा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुपट जोहार मन के गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरीवन सो कुछ क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पर जो कि लाइक like, नागवंशियों से जुड़ा हुआ होगा हालांकि नागवंश के बारे में जब क्षेत्रीय राजवंशों की बात करते हैं तो आपको तो पढ़ना होता ही है और ठीक है और अपन बात भी करेंगे इसके बारे में तो आज जो है सर आपने जे का फॉर्म क्यों नहीं भरा मैं बूढ़ा हो चुका हूं सर मेरी उम्र निकल चुकी है ठीक है इसीलिए जो है मैंने फॉर्म नहीं भरा चलिए तो जितने सारे लोग लाइव हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट और बात करते हैं हम लोग आज इसी के बारे में ठीक है सो ये जो लाइक आज की जो टॉपिक है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आपके हाँ जे एस एस सी जे पी एस सी के लिए इवन जो आपका हाँ जे एस एस सी के लिए भी इम्पोर्टेंट है सो बात करेंगे आज हम इसी टॉपिक के बारे में जो कि है नागवंशी शासन व्यवस्था और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को मेरा नाम है उदित कुशवाह मैं आप सभी का अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ इससे पहले क्लासेस शुरू करें आप सभी को बता दूं कि जो है आपका कुछ प्लस कोर्सेस अवेलेबल हैं जो कि अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर ठीक है आपको क्या करनी है यू के के टेन रेफरल कोड यूज करनी है और जो है इन कोर्सेस में इनरोल करवानी है जिसकी जरूरत है आपको अगर आप सी जी एल पेपर थ्री की तैयारी करना चाहते हैं तो महज एट हंड्रेड में आपको ये अभी मिल रहा है हालांकि इसकी फी तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अभी आपको बहुत हेवी डिस्काउंट मिल रहा है संपूर्ण खोटा लैंग्वेज संपूर्ण झारखंड जी के जी एस कंप्यूटर फाउंडेशन संपूर्ण हिंदी भाषा करेंट अफेयर्स द्रोणाचार्य बैच जेपीएससी फाउंडेशन सारे कोर्सेज में आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहे हैं ठीक है अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पेड क्लासेस बल्कि जो है ये सारी फ्री क्लासेस हैं जो कि आपके इसी चैनल पर यूट्यूब में अवेलेबल है हालांकि इसके अलावा मैं आप सभी को स्पेशल क्लासेस करवाने वाला हूं अन अकेडमी के ऐप पर ठीक है अन अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उस पर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ स्पेशल क्लासेस जिसे फ्री क्लासेस कहा जाता है कोई भी इसे क्या कर सकते हैं एक तरह से ठीक है एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं से भी ठीक है तो आप स्पेशल क्लासेस भी आपको मिलेंगी और आपको ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये मिलने वाले हैं आपको कल से ठीक है कल से मैं आपको जो है टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ कल से आपको मैं करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज है ना टॉपिक वाइज झारखंड जीएस होगा तो जो लोग भी एक तरह से टॉपिक वाइज झारखंड जीएस की एक तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं ठीक है वो कल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है जुड़ने के लिए आप सबसे पहले अन अकेडमी अप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा है ना ताकि जो आपको सारे के सारे क्लासेस मिल जाएँ तो यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा यानी जो आपका बाइलिंगल एक तरह से क्लासेस होंगी और हर एक क्लास की पी भी आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है बाकी बात चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जो लोग जुड़ चुके हैं सभी को जोहार है और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज किसके बारे में नागवंशी शासन प्रणाली के बारे में ये ऐसा क्यों हो गया है चलिए कोई बात नहीं नागवंशी प्रशासन प्रणाली या फिर जो है नागवंशी शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं टाइमिंग होगी रात के एक तो विंडोज़ पर अवेलेबल नहीं है सर आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं डब्ल्यू पर जाइएगा तो वहाँ से भी आप लॉगिन करके ये कर सकते हैं क्लास की टाइमिंग होगी इवनिंग में होगी एक होगा आपका पाँच से छः होगा है ना एक आपका पाँच से छः होगा और एक आपका करवाते हैं रात में रात में, में मेरे ख्याल से टाइमिंग मुझे मिल रहा है आपका दस से लेकर ग्यारह बजे तक ठीक है दो क्लासेस बेसिकली मैं कवर करवाने वाला हूं ठीक है हर दिन दो क्लासेस होंगी ठीक है so, सो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे पूरी कहानी को समझेंगे आखिर क्या है क्या नहीं और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जे के लिए भी होगा वो भी एक तरह से अपन यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो नागवंशीज ऑफ छोटनागपुर के बारे में आज की क्लास में हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं नागवंश का उदय राइज ऑफ नागवंश आखिर ये इसका उदय कैसे हुआ चीज़ों को समझिएगा क्योंकि ये आपके जे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये अब अगर हम बात करते हैं तो जो झारखंड में पहली डायनेस्टी थी उसे कहा जाता है आपका मुंडा राज कहते हैं क्या बोलते हैं मुंडा राज कहा जाता है ये जो मुंडा राज है दरअसल जो है हाँ आपका किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ये इस्टेब्लिस किया गया था आपका जो है किसके द्वारा रीसा मुंडा या फिर जो है हाँ आपका रीता मुंडा कहा जाता है रीसा या फिर रीता मुंडा कहते हैं इनके पहले एक तरह से राजा हुए राइट इन्होंने झारखंड में इस मुंडा राज की स्थापना की और इस मुंडा राज के जो प्रशासक थे ठीक है ध्यान रख लीजिएगा इसके प्रथम प्रशासक के रूप में जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति किया, किया जाता है किसका आपका सुतिया पाहन का इसी सुतिया पाहन के नाम पर इस मुंडा राज का ठीक है नामकरण क्या कर दिया गया आपका सुतिया नागखंड कर दिया गया क्या कर दिया गया सुतिया नागखंड सुतिया नागखंड की जो राजधानी हुआ करती थी वो था आपका जो है सुतियाम्बे है ना ध्यान रख लीजिएगा इनकी प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी सुतियाम्बे ये जो सत्याम्बे जगह है आज वर्तमान समय में कहाँ पर है ये रांची में आपको देखने मिलेगा रांची में पिठोरिया नाम का जगह है वहीं पर आपको ये सत्याम्बे देखने मिलता है हालांकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन नहीं कर पाया हालांकि ये जो सुतिया नागखंड है आपका सातगढ़ एवं जो है आपका 21 परगना में बटा हुआ था ठीक है सातगढ़ एवं 21 परगना में बटा हुआ था ये सातगढ़ जैसे केवल आप इसको सुन लीजिए है ना सात गढ़ों की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो आपका जैसे लोहागढ़ ठीक है पालुनगढ़ लोहागढ़ लोहरदगा का क्षेत्र पालुनगढ़ पलामू का क्षेत्र सिंहगढ़ सिबूम का क्षेत्र केसलगढ़ आज के वर्तमान समय का सिमडेगा का क्षेत्र हजारीबाग मानगढ़ और जो आपका सुरगुजागढ़ ये सातगढ़ हुआ करते थे और 21 परगना हुआ करता था ध्यान रखेंगे ठीक है अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो सुतिया नागखंड है सुतिया नागखंड के जो अंतिम राजा हुए उनका नाम क्या था आपका मदरा मुंडा है ना ध्यान रख लीजिएगा इनके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे आपका महाराजा मदरा मुंडा ध्यान रखेंगे महाराजा मदरा मुंडा ने ही जो आपका अडॉप्ट किया था या फिर एक तरह से कह सकते हैं गोद लिया ठीक है गोद लिया किनको तो गोद लिया आपका जो है मुकु फनी मुकुट राय को हालांकि फनी मुकुट राय के संबंध में कई अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं लेकिन आप सभी को केवल इतनी ध्यान रख लेनी है कि मदरा मुंडा ने ही गोद लिया फनी मुकुट राय को और अपना उत्तराधिकारी ध्यान रख लीजिएगा अपना उत्तराधिकारी बनाया किन को वो उत्तराधिकारी बनाया आपका जो है फनी मुकुट राय को तो जो मुंडाओं की जो एक तरह से समिति हुआ करती थी उसकी सर्वसम्मति से ही मदरा मुंडा ने अपना उत्तराधिकारी चुना फनी मुकुट राय को अब ये जो फनी मुकुट राय हैं इन्होंने चौंसठ ईस्वी में ठीक है ध्यान रख लीजिएगा 64 ईस्वी में एक नए राजवंश की शुरुआत की जिसे क्या कहा जाता है उसे कहते हैं नागवंश है ना क्या बोलते हैं नागवंश तो नागवंशावली के अनुसार जो है एक तरह से है ना चौंसठ ईस्वी में नागवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई तो नागवंश की स्थापना कर दी गई आपका फनी मुकुट राय के द्वारा किसके द्वारा फनी मुकुट राय के द्वारा याद रख लेनी है चलिए गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग अब यहां पर तो समझिएगा कि मुंडा राज्य से कनेक्शन किनका आपका फनी मुकुट राय का अब मुंडाओं की जो शासन प्रणाली हुआ करती थी उसे कहा जाता है आपका क्या उसे कहते हैं आपका जो है ठीक है मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है क्या बोलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं अब यह मुंडा शासन व्यवस्था इसलिए ध्यान रख लेना है क्योंकि इसी से प्रभावित होकर नागवंशियों की शासन प्रणाली एक तरह से देखने मिलेगी तो मुंडाओं की शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको तीन स्तर पर काम होता था सबसे नीचे आपका गांव, उसके ऊपर जो है आपका कौन सा पढ़ा ठीक है उसके ऊपर कौन सा आपका परहा और सबसे ऊपर होता था आपका राज जैसे गांव का प्रधान क्या कहलाता था आपका मुंडा कहलाता था परहा का प्रधान क्या कहलाता था आपका परहा राजा कहलाता था परहा राजा और राज का प्रमुख को क्या बोलते थे आपका इसको राजा या फिर जो आपका सरदार के नाम से जाना जाता था तो जिस तरीके से जो है आपको मुंडा शासन प्रणाली देखने मिलती है सेम एज आपको मिलता है कौन सा आपका ठीक है नागवंशी शासन प्रणाली में भी वही प्रभाव आपको दिखाई देगा है ना वही प्रभाव हालांकि समय के साथ साथ इन्होंने कुछ चीजें एक तरह से बदली और वो बदलाव आपको आगे एक तरह से इसी सेशन में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले अगर हम नागवंश की थोड़ी सी बात कर लें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है नागवंश की स्थापना जो है कब हुई आपका चौंसठ ईसवी में हुआ 64 फोर में हुआ ध्यान रख लीजिएगा यानी जो आपका फर्स्ट सेंचुरी और ये जो है आपका किसके अकॉर्डिंग तो ध्यान रख लीजिएगा ये जे में भी पूछा जा सकता है तो अकॉर्डिंग टू नागवंशावली है ना अकॉर्डिंग टू नागवंशावली ठीक है ये जो है नागवंश की स्थापना कब हुई चौंसठ ईस्वी में हालांकि जो है नोट करके आप ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा कि नागवंश की जो बात करते हैं तो जी जय रीड के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जे रीड के अकॉर्डिंग जो है आपका नागवंश की स्थापना कब हुआ आपका दसवीं शताब्दी में हुआ तो एक राइटर है जे रीड उन्होंने कहा कि नहीं नागवंश की स्थापना कब हुई दसवीं शताब्दी में हुई संस्थापक कौन है आपका फनी मुकुट राय है ना कौन है फनी मुकुट राय इनकी जो पहली राजधानी हुई सत्याम्बे और जो अंतिम राजधानी मानी जाती है वो है आपका कौन सा रातुगढ़ हालांकि आप कहेंगे पहली और अंतिम का मतलब हुआ इस बीच में कई सारी राजधानियां हुई होंगी जी हाँ इस बीच में कई सारी राजधानियां हुई जैसे पहली राजधानी की बात करते हैं तो ये सत्याम्बे हो सकता है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सत्याम्बे पहली राजधानी हुई दूसरी राजधानी हुई आपका कौन सा चुटिया तीसरी राजधानी आपका कौन सा खुखरा ठीक है उसके बाद जो चौथी राजधानी भी कौन सी आपका दईसा तो मान के चलिए दईसा यहाँ पे है ठीक है दईसा इसके बाद जो है आपका पांचवी राजधानी हुई आपका कौन सा वो हुआ आपका पालकोट है ना कौन सा मान के चलिए यह पालकोट यहाँ पे है, है ना इसी के बगल में कौन सा आपका वो मान के चलिए पालकोट भौरो जो है आपका ठीक है वो इसी के बगल में है तो पालकोट भौरो जो है आपका अगली राजधानी हुई उसके बाद जो है आपका लास्ट जो राजधानी होती है वो होती है आपका कौन सा मान के चलिए इसी जगह पे आपका कौन सा एक लोकेशन है जिसे हम क्या कहते हैं आपका रातू कहते हैं है ना रातू गढ़ कहा जाता है तो रातुगढ़ लास्ट राजधानी हुई है ना तो सुतियांबे के सुतियांबे और रातुगढ़ के बीच में कई बार इन्होंने राजधानियां बदली और राजधानियां बदलने के पीछे कई अलग अलग तरह के कारण एक तरह से देखने को मिलते हैं वो कारण एक तरह से स्ट्रेटेजिक कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं ठीक है आपका जो है आर्थिक व्यवस्था के आधार पर कह सकते हैं ठीक है बहुत अलग अलग जो है एक तरह से आपको देखने मिलता है हाँ खुखरागढ़ में गया था वहाँ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया था है ना तो मैक्सिमम अगर आप देखेगा रांची और गुमला में ही आपको यह देखने मिलती है जो अंतिम राजा हुए चिंतामणि शरण नाथ हुए याद रख लीजिएगा है ना तो इस बीच में कई सारे राजा बने क्योंकि ये जो है आपका वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है ध्यान रखेंगे अब अगर हम बात करते हैं इनकी शासन व्यवस्था पता नहीं ये ऐसा क्यों हो गया है थोड़ा सा मिस ये टाइप का हो गया है चलिए अब इसको थोड़ा सा कट करके जो है ना मैं ये सुधार देता हूं यहीं से आ, एक मिनट ये ऐसा क्यों हो गया है इसका जो है साइज कम कर दें तो सेलेक्ट ऑल कैसे होगा भाई इसका साइज अगर कम कर दें तो मेरे ख्याल से सही हो जाएगा चलो पता नहीं ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए था कभी ऐसा नहीं हुआ है बाकी सब तो सही है भाई ठीक है बाकी सब सही है चलिए तो नागवंशी प्रशासन प्रणाली या नागवंशी शासन प्रणाली की बात करते हैं तो ये राजतंत्र एवं गणतंत्र का संयुक्त मिश्रण अब ये राजतंत्र और गणतंत्र का संयुक्त मिश्रण ठीक है ये क्या है सर तो थोड़ा सा इसकी कहानी को समझिएगा है ना मैं पूरी कहानी आपको बता दे रहा हूं उसके बाद इसके आगे की जो स्लाइड होगी उसके बारे में अपन बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा कि पहली शताब्दी में मुंडाओं ने अपनी शासन प्रणाली हस्तांतरित कर दी किसको आपका नागवंशियों को फनी मुकुट राय पहले शासक बन गए यहां के अब ध्यान रख लीजिएगा चूंकि मुंडाओं के एक शासन प्रणाली में अगर आप देखिएगा तो जैसे पढ़ा का जो प्रमुख होता है ना उसको क्या कहा जाता है आपका मानकी कहा जाता है तो फनी मुकुट राय को सबसे पहले एक तरह से कहा जाता है कि मानकी का दर्जा दिया गया है ना मानकी यानी एक पढ़ा का प्रमुख बनाया गया और एक पढ़ा दरअसल जो आपका बारह से बीस गांवों से मिलकर बने हुए संस्था को कहा जाता है ध्यान रख लीजिएगा है ना अब जो है फनी मुकुट राय ने सुत्याम्बे को ही अपनी राजधानी बनाई और यहां से ही एक नए शासन व्यवस्था की शुरुआत की जिसे कहा जाता है आपका ठीक है ठीक है एक नए शासन व्यवस्था की शुरुआत की जिसे कहा जाता है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था बोलते हैं ध्यान रख लीजिएगा दरअसल नागवंशी शासन तंत्र में भी जो है ठीक है जो सर्वोच्च होता था उसे राजा कहते थे सरदार शब्द का प्रयोग थोड़ा कम मिलता है लेकिन जो है इन्हें क्या कहा जाता है जी बिल्कुल बिल्कुल अनंती वर्मा ठीक है आपकी बात सुन ली गई है तो उसे राजा कहा जाता था जैसे जितने सारे नागवंशी राजा हुए उसे राजा ही कहा गया है ना चाहे शुरू से लेकर अगर हम अंत तक की बात करते हैं अब नागवंशी शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये जो परंपरागत जो शासन प्रणाली पहले से चली आ रही थी है ना पहले से चली आ रही थी ठीक है उसी को इन्होंने अपनाया और उसी के साथ जो है एक तरह से सामंजस्य स्थापित करके एक जो है आपका बैलेंस स्थापित करके एक तरह से काम करना शुरू कर दिया यानी जो है मुंडाओं की जो शासन प्रणाली थी उसी को इन्होंने अडॉप्ट किया और वही जो है मुंडाओं की जो पढ़ा व्यवस्था हुआ करता था ठीक है उसी व्यवस्था को इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में भी लागू किया ध्यान रख लीजिएगा है ना क्योंकि पढ़ा जो व्यवस्था था ठीक है ध्यान रख लीजिएगा इसको एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है एक तरह से अपनाया गया था किसके द्वारा आपका मुंडाओं के द्वारा अपनाया गया था ध्यान रख लीजिएगा है ना अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सारी शासन व्यवस्था जो मुंडाओं के राज में हुआ करता था ठीक है मुंडाओं के राज में था ठीक है वह उसी तरह से एक तरह से सारी चीजें चल रही थी इनकी शासन व्यवस्था में भी ठीक है गांव की व्यवस्था दरअसल जो आपका जिस तरह से मुंडाओं के पास हुआ करती थी वैसे ही जो है आपका यहां पर क्या किया गया आपका यहां पर जो है एक तरह से जी हां 12 से 20 गांव यहां पे नागवंशियों में आपको देखने मिलता है ध्यान रख लीजिएगा अब जो है एक तरह से मुंडाओं ने जिस तरह से शासन शुरू किया था जैसे वो जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया है ना उसे जो है क्या कहा गया आपका उसे खुटकटी भूमि कहा गया लेकिन जब एक तरह से इनकी शासन व्यवस्था आएगी तो उस समय जो है कुछ थोड़े से बदलाव भी होंगे और बदलाव जो है एक क्लास सर शाम को जो है आपका पांच से छह किन की क्लास होती है आज किन का क्लास हो रहा है अभी चलिए अब यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक मिनट ना ओके अब मनो सर क्लास ले रहे हैं अच्छा कोई नहीं अभी क्या ही कर सकते हैं जो है अब वो होगी उनकी क्लास अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मुंडाओं की शासन व्यवस्था जो है वो कब तक चलती रही तो ध्यान रख लीजिएगा यह सोलहवीं सदी तक चलती रही कब तक ऐसा क्यों हो जा रहा है कभी कभी पता नहीं क्यों जो है चलिए अब ये जो हट गया वैसे ही चलिए तो नागवंशियों के शासन प्रणाली जो है मुंडाओं की तरह कब तक चलता रहा तो ये चलता रहा आपका जो है सोलहवीं सदी तक है ना कब तक सोलहवीं सदी तक ये जो आपका सोलहवीं सदी तक एक तरह से चलता रहा ध्यान रख लीजिएगा अब यह सोलहवीं सदी तक जो चलता रहा इसमें बदलाव क्यों हुए तो आप सभी जानते हैं कि 1685 एटी ईस्वी में ठीक है अकबर के द्वारा है ना ध्यान रख लीजिएगा किसके द्वारा आपका अकबर के द्वारा ठीक है नागवंशी शासक के विरुद्ध जो है आपका किसको भेजा वो भेजा था आपका शाहबाज खां कम्बू को किसको शाहबाज खां को एक तरह से नागवंशी शासकों के विरुद्ध भेजा शाहबाज खां ने क्या किया आपका ठीक है एक तरह से नागवंशियों को कर देने के लिए एक तरह से बाध्य किया है ना नागवंशियों को कर देने के लिए क्या किया आपका बाध किया अब बार बार मुगलों का एक तरह से आक्रमण यहां पे होने के कारण से नागवंशियों ने एक तरह से मुगलों को कर देना एक तरह से शुरू कर दिया या फिर कह सकते हैं उसको नजराना कह सकते हैं रमन सर की क्लास हो रही है यूट्यूब पर रमन सर की क्लास नहीं हो रही वो खत्म हो चुकी है चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ना जब एक तरह से शाहबाज खां का अटैक होगा तब जाके जो है ये नागवंशी क्या करेंगे आपका नागवंशी जो है आपका मुगलों को नजराना देना शुरू किया ठीक है और यही जो है क्या कहलाया आपका मालगुजारी कहलाया नजराना एक प्रकार का यूं समझ लीजिए कि कर ही हुआ करता था है ना एक प्रकार का कर हुआ करता था जिसे क्या कहा गया आपका जिसे मालगुजारी कहा गया है ना ध्यान रख लीजिएगा क्या कहा गया मालगुजारी कहा गया दोस्तों अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यह मालगुजारी वसूलने के लिए कोई व्यक्ति हुआ नहीं करता था और इसीलिए जो है यहां पर आम लोगों से कर वसूलने के लिए एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं आपका एक तरह से मानकी कहा जाता है और मानकी का काम होता था आम लोगों से कर वसूलना ध्यान रख लीजिएगा है ना आम लोगों से कर वसूलना अब जो है एक तरह से ये शुरुआती समय अगर में अगर नागवंशियों में देखिएगा तो यह व्यवस्था जो है आपका आम रयतों से यानी जो है जो किसान हुआ करते थे उनसे कर नहीं लिया जाता था है ना कर नहीं लिए जाता था जब यह शुरुआत की जाएगी तो थोड़ी कठिनाई होगी और ऐसी स्थिति में समय समय पर जो नागवंशी होंगे वो कर नहीं भी देंगे और यह स्थिति अगर आप देखिएगा तो सोलह के बाद आएगा कब आपका यह आता है आपका सोलह सौ सो ईस्वी के आसपास में 1615 सौ ईस्वी में नागवंशी शासक जो हुआ करते थे उसका नाम था आपका दुर्जन शाह है ना क्या नाम हुआ करता था आपका दुर्जन साल तो दुर्जन साल कर नहीं दे रहे थे और इस कारण से ध्यान रख लीजिएगा ठीक है इस समय जो एक तरह से मुगल बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था आपका जहांगीर है ना आप सभी जानते होंगे जहांगीर ने जो है क्या किया अपने सेनापति इब्राहिम खां को भेजा कहां पे आपका नागवंशी शासक के विरुद्ध ठीक है किसको भेजा आपका इब्राहिम खां को इब्राहिम खां ने दुर्जन शाह पर अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है इसको कहां पे ग्वालियर के किले में बंद कर दिया आप सभी जानते हैं बारह वर्षों तक है ना बारह वर्षों तक जो है आपका ग्वालियर के किले में बंद रखा गया वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रखा गया ग्वालियर किला में बंद रखा गया अब याद रख लीजिएगा तब जाके दुर्जन साल जो है आपका कितना छह हजार रुपया जो है आपका वार्षिक कर देने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए इनको क्या कर दिया जाएगा आपका छोड़ दिया जाएगा है ना छोड़ दिया जाएगा अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा ये तो बात है आपका कब की यह छह हजार रुपया आपका सोलह सौ सत्ताइस ईस्वी में देने के लिए रेडी हुए लेकिन जो है ऐसा कहा जाता है कि सोलह सौ बत्तीस ईस्वी में यह कर बढ़ा करके एक लाख छत्तीस हजार कर दिया गया अब सोचिए छ हजार से सीधे एक लाख छत्तीस हजार कर देना यह कहीं ना कहीं जो है एक तरह से नाइंसाफी थी हालांकि 1636 ईस्वी में इसे एक लाख इकसठ हजार रुपये कर दी गई लगातार जो है एक तरह से कर का बोझ जो है कहीं ना कहीं नागवंशी शासकों के पास बढ़ता गया और धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं जो है ये लोग क्या होते जाएंगे मुगलों से नाखुश होते जाएंगे मालगुजारी के दबाव में नागवंशियों ने अपनी प्राचीन शासन व्यवस्था में थोड़े बदलाव करने शुरू कर दिए ध्यान रख लीजिएगा महाराजा दुर्जन साल ने प्रशासन का नया ढांचा मुस्लिम शासन पद्धति पर एक तरह से रखा इन्होंने सोचा कि अब जो है जो हमारी परंपरा जिस हिसाब से चल रही थी अब उसमें बदलाव की आवश्यकता है और इसीलिए जो आपका मुस्लिम शासन पद्धति पर जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया ध्यान रख लीजिएगा एक बड़े महान राइटर हुए जिनका नाम है आपका शरद चंद्र रॉय शरद चंद्र रॉय के अनुसार ध्यान रख लीजिएगा कि जहां पे पढ़ा हुआ करता था पढ़ा का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया आपका पढ़ा का नाम बदल करके कर दिया गया आपका पट्टी क्या कर दिया गया पढ़ा का नाम बदल करके पट्टी कर दिया गया ध्यान रख लीजिएगा और पट्टी का जो प्रमुख जैसे परहा का प्रमुख हुआ करता था मानकी है ना कौन हुआ करता था, था मानकी लेकिन अब पट्टी का प्रमुख जो है किसको बना दिया गया आपका भूहर को बना दिया गया किसको बना दिया गया भूहर को बना दिया गया ध्यान रखेंगे है ना यानी यू कह लीजिए कि मानकियों को ही जो आपका भूहर एक तरह से घोषित कर दिया गया अब इनको जो है एक तरह से मालगुजारी वसूलने का काम दे दिया गया अब यह भूहर क्या करता था आपका ये जो है आपका मालगुजारी वसूलने का काम करता था मालगुजारी वसूलना ही इनका जो है एक तरह से मेन काम हुआ करता था हालांकि आम लोगों से कर वसूलने की जिम्मेदारी मानकी को दी गई थी लेकिन अब जो है मालगुजारी वसूलना जो है किसका काम हो गया आपका भूहर का काम हो गया ध्यान रखेंगे इसी के साथ जो है आपका पंचाबही खातों में हाकिमी दर्ज की गई हाकिमी खाता एक तरह से कह सकते हैं ध्यान रख लीजिएगा अब समय एक तरह से बीता गया और समय के साथ भी जो है आपका अन्य बदलाव एक तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था में देखने को मिलेंगे ठीक है अब जो है धीरे धीरे नागवंशी शासकों की रुचि जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका मंदिर बनाने के लिए होने लगा अब मंदिर बनाने से क्या है वहां पर भी दान दक्षिणा से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होने लगा ध्यान रख लीजिएगा है ना इसके अलावा जो है आपका उन मंदिरों के रख रखाव के लिए जो है आपका ठीक है जो बहोत्तर देवोत्तर और ब्रीत जैसी जमीन दी जाने लगी कि एक तरह से ठीक है ताकि जो आपका उनका रख रखाव किया जा सके मुगल शासन एवं अन्य जो स्वतंत्र भारतीय शासन व्यवस्था की तरह नागवंशी शासक भी जो है एक तरह से कह सकते हैं अपनी दरबार में राजपूत ब्राह्मण पुरोहित अमला कायस्थ एवं अन्य जो है एक तरह से व्यक्तियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया ध्यान रख लीजिएगा यहां पर याद रखनी वाली बात यह है कि जो आपका बाहरी आक्रमण के कारण जो आपका सैन्य व्यवस्था में भी जो एक तरह से थोड़े बहुत इन्होंने क्या किया कि आपका बदलाव किया ध्यान रख लीजिएगा और राजा जो कर रख है ना अब राजा के पास जितनी आर्थिक शक्ति हुआ करती थी उसी के आधार पर जो है एक तरह से नागवंशी शासक अपनी सैन्य व्यवस्था को भी मजबूत बना रहे थे ध्यान रखेंगे अब यहां पर जो है समझने वाली थोड़ी सी बात यह है कि आगे के राजा ने मतलब अब जो जो रखिएगा उन्होंने जागीरदार रखना शुरू कर दिया क्या रखना शुरू कर दिया जागीरदार यानी जो आपका भूंहरी के जगह पर किसको रखना शुरू कर दिया आपका जागीरदार को रखना शुरू कर दिया और जागीरदार अब जो है एक तरह से क्या करेगा ठीक है इसके स्थान पर अब जागीरदार रखना शुरू कर दिया और जागीरदार अब जो है एक तरह से मालगुजारी वसूलना शुरू कर दिया जब मालगुजारी वसूलने का काम जागीरदार को दिया जाएगा तो जो भूहरी होंगे ठीक है उनका पद ही एक तरह से क्या हो जाएगा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ध्यान रख लीजिएगा है ना समाप्त हो जाएगा अब यहां पर बड़ाईक राजपूत ठीक है रैतिया आदि को निर्धारित लगान पर एक तरह से जागीर दे दिया गया किसी किसी क्षेत्र में जैसे अगर हम बात करते हैं डोकरा दोसा, ठीक है मैं ब्राह्मणों को भी एक तरह से जागीर दी गई जो कि एक तरह से लगान रहित हुआ करता था अब यहाँ पर समझिएगा जागीरदार द्वारा वसूले गए मालगुजारी नियमित रूप से मुग़लों को नहीं दिया जाता था यानी कभी कभी देते थे कभी कभी जो है एक तरह से नहीं भी देते थे यह तभी दिया जाता था जब कोई मुगल शासक उसकी मांग करता था यानी जो है हाँ आपका जबरदस्ती एक तरह से लेता था जबरदस्ती मांगता था तभी जाके जो है ये लोग क्या करते थे आपका माल गुजारी देने का काम करते थे याद रखेंगे अब इस अनियमित कर व्यवस्था को ठीक है जो एक तरह से नियमित रूप से दिया जाता था वो तो हो गया आपका क्या वो हो गया आपका एक तरह से नजराना लेकिन ये जो अनियमित कर व्यवस्था जो ये हुआ करती थी इसे कहा जाता था आपका पेशकश क्या बोलते थे पेशकश कहते थे है ना क्या बोलते थे पेशकश के नाम से जाना जाता था ध्यान रख लीजिएगा पेशकश कहा गया अब यहां पर याद रख लीजिएगा इसी बीच में क्या होगा आपका ठीक है ठीक है इसी बीच में क्या होगा यहां पर सत्रह सौ पैंसठ ईस्वी में ठीक है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होता है यानी इलाहाबाद की संधि जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाएगी अंग्रेजों को मिलने का मतलब यह हो गया कि अब रेवेन्यू जनरेट करने का पावर किसके पास होगा आपका अंग्रेजों को पास होगा ध्यान रखेंगे और इस क्षेत्र को ध्यान रख लीजिएगा यानी पूरा झारखंड जो क्षेत्र था उसको किसके अंतर्गत रखा गया आपका पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया है ना किसके अंतर्गत पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया हालांकि बाद में झारखंड को किसमें शामिल किया जाता है आपका काउंसिल में ट्रांसफर किया जाता है तो यह बात है आपका कब सत्रह ईस्वी की यानी अंग्रेजों के शामिल होने के बाद की बात है झारखंड को शामिल कर दिया जाता है किसमें आपका पटना काउंसिल में शामिल कर दिया जाएगा है ना अब यहां पर ध्यान रखेंगे ठीक है जो फोर्ट विलियम यानी कोलकाता जिसको कहते हैं को इस क्षेत्र से कर वसूली की एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई ओके okay. हाँ तो जो है आपका पटना काउंसिल को इस क्षेत्र में रखा गया और फोर्ट विलियम को जो है आपका इस क्षेत्र में कर वसूली के जिम्मा दिया गया परंतु वो जो है ना एक तरह से असफल रहे क्योंकि यहाँ के राजा रजवाड़े जो है नियमित कर एक तरह से नहीं देते थे 1775 सौ ईस्वी में ठीक है ध्यान रख लीजिएगा कब की बात हैं आपका थोड़ा यहाँ पर जगह कम है लेकिन आपको लिख दे रहे सत्रह 1775 सौ ईस्वी में ठीक है ध्यान रख लीजिएगा विटली महोदय या फिर आप एक तरह से याद रख सकते हैं एस जी एस जे विटली एस जे विटली एस जे विटली को जो है इस क्षेत्र से एक तरह से कह सकते हैं कि उनको जो है आपका कलेक्टर नियुक्त किया गया ध्यान रख लीजिएगा यानी छुटनागपुर खास का कलेक्टर नियुक्त किया जाता है ध्यान रखेंगे ताकि वह जो एक तरह से नियमित कर वसूल सके ध्यान रखेंगे लेकिन यह भी जो है पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा बात है आपका 1780 की यानी जो आपका पांच साल बाद की रामगढ़ हो गया चतरा हो गया छोटनागपुर खास हो गया इसको मिला करके एक नियमित जिला बना दिया गया जिसका नाम रामगढ़ हिल ट्रैक्ट रखा गया था क्या नाम रखा गया था रामगढ़ हिल ट्रैक्ट हालांकि सत्रह में ही रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी लेकिन बाद में जो आपका रामगढ़ चतरा और छोटनागपुर खास को मिलाकर के सत्रह सो अस्सी ईस्वी में क्या बना दिया जाता है आपका रामगढ़ हिल ट्रैक्ट बना दिया जाता है रामगढ़ हिल ट्रैक्ट एक तरह से बना दिया जाएगा अब ये रामगढ़ हिल ट्रैक्ट बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था आपका ताकि नियमित रूप से एक तरह से क्या किया जा सके आपका कर वसूला जा सके ध्यान रखेंगे अब इस शासन व्यवस्था से नियमित रूप से कर जो है अभी भी नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए जो है आपका यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा चैपमैन को चैपमैन एक अधिकारी के रूप में एक तरह से यहाँ पे आता है ताकि जो वह कर वसूल सके लेकिन जो है आपका वो भी असफल रहेगा फाइनली ध्यान रखिएगा सत्रह सौ तिरानवे ईसवी की बात है दोस्तों सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में पर्मानेंट सेटलमेंट जो आपका एक्ट था उसे यहां पर क्या कर दिया जाएगा लागू कर दिया जाएगा और जागीरदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है और यहां पर लागू कर दिया जाएगा आपका जमींदारी व्यवस्था यानी ये जो जागीरदारी व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया जाता है और जो है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू करने के साथ ही क्या लागू कर दिया जाएगा आपका यहां पर लागू कर दिया जाएगा आपका जमींदारी व्यवस्था है ना जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया जाएगा है ना राजाओं को जमींदार बना दिया गया नया कानून लागू कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ की प्राचीन शासन व्यवस्था जो है धीरे धीरे क्या होती गई आपका विलुप्त होती गई है ना विलुप्त होती गई तो इस तरह की पूरी कहानी आपको देखने मिलेगी यानी मुगलों से लेकर मुगलों से पहले तो ये लोग टैक्स ही नहीं लेते थे लेकिन मुगल के बाद जो है एक तरह से क्या करते हैं टैक्स लेना शुरू करते हैं और अंग्रेज अ, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में आने के बाद जो है एक तरह से क्या करते हैं जो जागीरदार होगा वो जमींदार बन जाएगा और राजा का जो पद एक तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा अब हमें यहाँ पर जो बात करनी है इनकी जो शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ठीक है अब इनकी जो शासन व्यवस्था है ध्यान रख लीजिएगा पहली बात कि राजतंत्र एवं गणतंत्र का संयुक्त मिश्रण है पूछा जाता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और उनकी विशेषता पूछ ले ली जाएगी तो याद रखेंगे ये राजतंत्र एवं गणतंत्र का संयुक्त मिश्रण है राजतंत्र का मतलब राजा का पद तो होगा ही होगा लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है क्या होंगे वो एडिटरी नहीं बल्कि जो आपका क्या होंगे इलेक्टेड होंगे या फिर जो आपका अपॉइंटेड होंगे तो मुंडाओं की शासन व्यवस्था की तरह ही सबसे निचला जो इकाई है सबसे छोटी इकाई जो है जिसे हाथू कहा जाता है याद रखेंगे ठीक है हाथू जो आपका शासन व्यवस्था की क्या आपका सबसे छोटी इकाई है दोस्तों यानी जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है याद रखेंगे है ना इसका जो प्रधान हुआ करता था उसको क्या कहते थे आपका गांव के प्रधान को महतो कहते थे महतो एक प्रकार का पोस्ट है ना कि जो आपका जाति है ध्यान रख लीजिएगा नहीं तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो आपका नहीं ये जो महतो क्या है आपका ये जो है एक प्रकार का जाति है जाति नहीं ये एक प्रकार का पद है यहाँ पर बारह से बीस गाँव मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है और पढ़ा का प्रमुख को क्या कहते हैं आपका मानकी कहते हैं क्या कहते हैं मानकी कहते हैं और कई सारे पढ़ा से मिलकर एक राज का निर्माण होता है जिसके प्रमुख को राजा या फिर जो है एक तरह से सरदार कहा जाता है ध्यान रखेंगे अब एक एक स्तर की बात करते हैं देखिए यह हो गया सबसे निम्न स्तर यह हो गया आपका सर्वोच्च स्तर है ना ध्यान रख लीजिएगा नागवंशी शासन व्यवस्था की सबसे ऊंची इकाई या सर्वोच्च स्तर क्या है आपका सर्वोच्च इकाई या सर्वोच्च स्तर अगर आपसे पूछा जाएगा ठीक है वो हो जाएगा आपका राज अब सबसे पहले बात करते हैं हातू या जो है कि ग्राम स्तर कुल जो है एक तरह से कितने 22 ऑफिसर की जानकारी यहां पर मिलती है नागवंशावली के अनुसार या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका एक राइटर हुए जिनका नाम है आपका बीपी केसरी उनके अनुसार ध्यान रखेंगे हालांकि दो प्रमुख अधिकारियों के नाम एक तरह से मिलते हैं आपको जो कि है कौन आपका महतो और आपका है कौन सा आपका भंडारी हालांकि भंडारी की जो है आपका भंडारी की तरह ही हुआ करता था बस एक अलग से नाम दे दिया जाता है ध्यान रखेंगे विलेज जी हाँ। सबसे छोटी इकाई आपका कौन सा है आज जो है बच्चों की संख्या कम है लेकिन आपको बता दूं इसके बाद जो है यहां पर एमसी भी आप सभी को करवाएंगे ठीक है एमसी भी करवाएंगे तो एक एक करके हम समझते हैं कि महतो भंडारी और भंडारी जो है एक तरह से क्या हुआ करते थे हालांकि जैसे कि आपको बताया कि यहां पर जो है एक तरह से टोटल कितने ठीक है टोटल जो है आपका बाईस अधिकारियों की जानकारी मिलती है जैसे ये जो ऑफिसर अलग अलग काम एक तरह से करते थे जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो आप याद रख लीजिएगा जैसे ये तो हो गए इसके अलावा जो है जैसे आपका कौन कौन जैसे आपका पांडे हो गया है ना आपका पोदार हो गया सबके अलग अलग काम है और ये सब के सब जो है क्या आपका पद है ध्यान रख लीजिएगा है ना क्या है पद है इसके अलावा जो है आपका ज़मीन वगैरह मापने के लिए आपका कौन हुआ करता था अमीन हुआ करता था इसके अलावा जो आपका सहानी का पद एक तरह से आपको देखने मिलेगा इसके अलावा जो आपका जैसे बड़ाइक है ना बड़ाइक एक जाति भी देखने मिलती है झारखंड की एक जनजाति है लेकिन यह पद भी हुआ करता था ध्यान रख लीजिएगा है ना इसके अलावा जो अगर आप देखिएगा तो एक आपको विरितिया जैसा पद देखने मिलेगा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे घटवाल घटवाल जो कि पहाड़ी क्षेत्र में महसूल वसूलने वसूलने वाले महसूल यानी टैक्स वसूलने वाले को ही घटवाल कहा जाता है ध्यान रख लीजिएगा है ना इसके बाद जो आपका इलाका वार है ना इलाका वार मेरे ख्याल से इलाकावार का काम हुआ करता होगा जो इलाका यानी क्षेत्र का रखवाली करने वाला या उसका प्रमुख हुआ करता होगा ठीक है इसके अलावा जो आपका ठीक है दिगवार इसके अलावा आपको एक पद मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं आपका दिगवार भी कहा जाता है, है ना इसके अलावा जो आपका कोटवार या कोटवार एक तरह से बोलते हैं हालांकि कोटवार एक प्रमुख मतलब पद कह सकते हैं इनकी शासन व्यवस्था में ध्यान रख लीजिएगा है ना इसके अलावा जो अगर आप देखिएगा तो जैसे गुड़ाइत है ना एक आपको मिलेगा कौन सा गुड़ाइत हालांकि गुड़ाइत जो आपका एक जनजाति भी है झारखंड में है ना इसके अलावा जो आपका आ, जमादार जमादार ठीक है इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ओहदार है ना ओहदार जैसे यूँ कह सकते हैं जैसे बेदिया जनजाति में क्या होता है ना कि आपका जैसे गांव के प्रमुख को ही ओहदार कहा जाता है इसके अलावा तोप चलाने वाले को कहा जाता था आपका तोपची है ना क्या बोलते थे तोपची तोपची से याद रख सकते हैं ठीक है जीके? तो क्योंकि नागवंशियों के पास जो एक तरह से बाद में और ये एक ही साथ बाईस अधिकारी नहीं थे अलग अलग टाइम पीरियड में नए नए पद क्रिएट किए गए जैसा जैसा जरूरत पड़ते गया वैसा वैसा इसके बाद जो दरोगा जैसा एक व्यक्ति हुआ करता था जिसे बरकंदाज कहा जाता था है ना बरकंदाज. और ये लंबे समय तक एक तरह से बरकंदाज शब्द का प्रयोग आपको देखने मिलेगा है ना ध्यान रख लीजिएगा इसके अलावा जो है आपका जैसे बक्सी हो गया ठीक है इसके अलावा जो है आपका चोबदार ठीक है कोई मतलब आ, काम करने का अधिकारी एक तरह से हुआ करता होगा कोई मतलब देखिए कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि मतलब हम भी पहली बार ऐसा पद सुने हैं बाकी बात जो है एक तरह से थोड़ा बहुत याद रख है सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो बराहील है ना इसके अलावा जो है आपका चौधरी चौधरी का भी पद हुआ करता था इसके अलावा जो है आपका ठीक है एक और था उसको बोलते थे ये गोंजू गोंजू ये सारे पद हुआ करते थे बाकी जो है आपका ये भंडारिक भंडारी की तरह ही हुआ करता था ये दो पद तो टोटल मिला कर अगर आप देखिएगा तो बाईस हुआ करता था और जो है आपको जैसा कि बताया कि जो बीपी केसरी के अनुसार ये जो पदों का जो ये जानकारी मिलता है वो किसके अनुसार बीपी केसरी के अनुसार बीपी केसरी के अनुसार है ना दो प्रमुख पद हुआ करते थे वो था आपका जो एक महत्व का और दूसरा आपका कौन सा भंडारी का ध्यान रखेंगे है ना महत्व और भंडारी का कैसे याद होगा गुरु जी अरे सर सब याद नहीं रखना है सर ये महत्व और भंडारी याद रह जाएगा ना काफी है सब याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है सब याद रखने की जरूरत नहीं है केवल महत्व और भंडारी याद रख लीजिएगा दैट वुड बी एनफ अब एक करके हम बात करते हैं महत्व की बात करते हैं तो महत्व जो है क्या हुआ करता था दोस्तों ये हुआ करता था आपका हेड ऑफ दिलेज यानी जो आपका ग्राम प्रधान हेड ऑफ दिलेज ग्राम प्रधान एक तरह से कह सकते हैं आप इसको या गांव का प्रमुख या गांव का राजनीतिक प्रमुख एक तरह से आप कह सकते हैं ध्यान रख लीजिएगा ठीक है दरअसल ये जो वर्ड आया है ना यह महत्तम शब्द से आया हुआ है ठीक है इसकी जो उत्पत्ति हुई है ठीक है इसकी उत्पत्ति हुई है ठीक है किससे आपका महत्तम शब्द से महत्तम शब्द से महत्तम वर्ड से हुआ है ध्यान रख लीजिएगा फ्रॉम महत्म वर्ड दरअसल जो है आपका ये जो महत्तम वर्ड का मतलब होता है महत्तम जो शब्द आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है आपका श्रेष्ठ ठीक है इसका मीनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है आपका श्रेष्ठ या सुप्रीम एक तरह से कह सकते हैं इसका मतलब होता होता है 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 आपका आपका सुप्रीम और दरअसल गांव का प्रधान जो है एक तरह से क्या सर्वश्रेष्ठ ही होता है सुप्रीम होता है ध्यान रख लीजिएगा यानी महत्व जो है आपका गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति है ठीक है और गांव के प्रशासन की जो जिम्मेदारी है ठीक है या इसका उत्तरदायित्व की बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ठीक है ठीके? तो गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास हुआ करता था वो महतो के पास ही हुआ करता था ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास हुआ करता था आपका महतो के पास ही ध्यान रखेंगे है ना इसके बाद जो है आई होप महतो के बारे में आपको इतना ही याद रख लेना है इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसके बाद है आपका कौन सा भंडारी ठीक है ये ध्यान रखिएगा ये भंडारी लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा फॉन्ट जो है पता नहीं चेंज कैसे हो गया इसमें ठीक है समझ में नहीं आ रहा है भंडारी तो प्रत्येक गांव में खेती बाड़ी से संबंधित जो है आपका कार्यों को संभालना ठीक है इनका अगर हम काम देखेंगे इनका काम मेनली क्या हुआ करता था आपका एग्रीकल्चर है ना इनका मेन काम हुआ करता था आपका कृषि कार्य दरअसल जो राजा की जमीन हुआ करती थी उसको जो है आपका खेती करने के लिए यूज करता था ध्यान रख लीजिएगा और अगर मान लेते हैं कि जो है अगर जो भी अनाज वगैरह उत्पादन होते थे ठीक है उस अनाज का यानी जो फूड ग्रेन्स हुआ करते थे ठीक है फूड ग्रेन का जो है आपका प्रिजर्वेशन यानी कह सकते हैं कि आपका उसका संरक्षण एक तरह से करने का काम ठीक है प्रिजर्वेशन जो है आपका ठीक है किसके पास होता था आपका ठीक है वो भंडारी के पास ही होता था ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि अगर पूरे गांव में कभी भी अगर अनाज की जरूरत पड़ी तो वो जो है एक तरह से कौन उपलब्ध कराएगा तो ये भंडारी का ही काम हुआ करता था ध्यान रखेंगे कौन भंडारी हालांकि भंडार गृह को या फिर एक तरह से कह सकते हैं स्टोर हाउस को ठीक है रखवाली करने के लिए एक व्यक्ति चुना जाता था जिसको भंडारी कहते थे और भंडारी का काम क्या आपका तो अनाज भंडार का अनाज भंडार की रखवाली करना रखवाली करना जो है आपका मेन एक तरह से काम होता था किसका स्टोर हाउस को एक तरह से प्रोटेक्ट करना जो है आपका एफसीआई कह सकते हैं हां जी तो वो भंडारी का काम हुआ करता था अब सवाल आता है कि आपके एग्जाम में पूछा किसके बारे में जाएगा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपका महतो के बारे में ठीक है कि महत्व जो है आपका ठीक है या गांव का प्रधान को क्या बोलते थे महतो कहते थे या गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास हुआ करती थी महतो के पास होती थी ध्यान रखेंगे है ना इसके बाद जो है आ जाइए पढ़ा स्तर या इसी को बाद में क्या कहा जाता है आपका पट्टी भी बोलते हैं जैसा कि आपको बताया कि समय के साथ साथ इन्होंने अपने प्रशासन में भी बदलाव किए और उन्हीं बदलावों में से एक आपको देखने मिलेगा क्या तो पढ़ा का नाम जो है एक तरह से क्या कहा गया आपका पट्टी कहा गया तो चूंकि पढ़ा जो है एक तरह से मुंडाओं के शासनकाल में यूज होता था हालांकि उस टाइम पीरियड में भी पट्टी का यूज होता था लेकिन जो है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे भूयर जागीरदार एवं पाहन ठीक है भूयर ठीक है जागीरदार एवं पाहन पढ़ा स्तर पर अगर हम देखेंगे भूयर जो शब्द है ये क्या आपका मानकी का बदला हुआ रूप है ठीक है हालांकि यहां पे लिखेंगे नहीं क्योंकि आगे इसके लिए भी पेजेस डेडिकेटेड दिए हुए हैं केवल हम आपको बता देते हैं भूहर जो है आपका मानकी का बदला हुआ रूप है लेकिन इस काल में जो है आपका भूंहर के पास न्यायिक और राजनीतिक अधिकार तो लंबे काल तक बना रहा लेकिन उनके अधिकार में जो है कुछ कटौतियाँ की गई यानी उसके पास जो आपका जुडिशियल पावर भी था आपका जो पॉलिटिकल पावर हुआ करता था लेकिन समय के साथ साथ उसमें जो है एक तरह से कटौती भी की गई ध्यान रख लीजिएगा इसके बाद जो जागीरदार की बात करते हैं तो जागीरदार का काम होता था मुगल काल में लगान वसूली करने का है ना मुगल काल में लगान वसूली के लिए जागीरदार को नियुक्त किया गया था और पाहन आप सभी जानते हैं कि पाहन जो आपका पूजा पाठ करने के साथ साथ जितने प्रकार के आयोजन हुआ करते थे उसकी और उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किसके पास होता था आपका पाहन के पास ही होता था ध्यान रखेंगे दोस्तों तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भूयर भूहर की बात करते हैं तो मानकी का मानकी का बदला हुआ रूप हुआ रूप है ये यानी मानकी का ही पद जो है एक तरह से क्या है आपका मानकी पद का ही बदला हुआ रूप ये है एक तरह से ध्यान रखेंगे है ना इसके पास जो है एक तरह से अधिकार की बात करते हैं तो किस प्रकार के अधिकार हुआ करते थे तो जैसा कि आपको बताया कि जो है इसके पास आ, क्या बोलते हैं जुडिशियल को क्या कहा जाता है न्यायिक ठीक है न्यायिक एवं राजनीतिक अधिकार हुआ करता था राजनीतिक अधिकार यानी जो आपका जुडिशियल एंड पॉलिटिकल पावर इसके पास हुआ करते थे राइट हुआ करते थे लेकिन समय के साथ इसमें क्या की गई आपका कटौती की गई ध्यान रख लीजिएगा है ना इनका काम क्या हुआ करता था आपका ठीक है कर वसूलने का काम हुआ करता था है ना यह बात भी एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है इसके बाद आपका कौन सा है जागीरदार जागीरदार जो आपका क्या है लगान वसूली है ना इनका काम जो है आपका सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा लगान वसूली ठीक है लगान वसूली का करने का काम हुआ करता था ध्यान रखिएगा मुगल काल में मुगल टाइम पीरियड में लगान वसूली करते थे ये इस पाहन की बात करते हैं तो आपका जो है ये धार्मिक कार्य धार्मिक कार्य ठीक है साथ ही साथ जो है आपका सभी प्रकार के सभी प्रकार के क्या कह सकते हैं आप उसको ये आयोजन की व्यवस्था करना आयोजन की व्यवस्था करना जो है एक तरह से इनका काम हुआ करता था ठीक है किसका पाहन का बाकी ज्यादा एक तरह से जैसे अगर मान लेते हैं कि प्रसाद वितरण करना हो या बलि चढ़ाना हो ठीक है इन सारी चीजों का काम जो है एक तरह से कौन करता था आपका पाहन ही करता था और आज भी देखिएगा पाहन जो है जैसे आपका उराव जनजाति में पाहन जो आपका क्या है धार्मिक कार्य करते हैं है ना इसके बाद राजस्तर की बात करते हैं तो राजस्तर में जो है आपका राजा दीवान और पांडे जो एक तरह से प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे पांडे इधर देख पा रहे होंगे आपका चंकी पांडे है ना तो इसके जो सहयोगी अधिकारी थे दीवान पांडे कुंवर लाल ठाकुर और ये सारे पद आपको कहाँ पर ये सारे पद आपको मुंडाओं के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है चलिए तो एक एक करके हम समझेंगे राजा यानी जैसे नागवंशी राजा मान लेते हैं कि दुर्जन साल की बात करें या रघुनाथ शाह की बात करें या अन्य किसी भी राजा की बात करते हैं तो वो राजा एक तरह से हुआ करता था ध्यान रख लीजिएगा तो नागवंशी राजा को बेसिकली क्या कहा जाता था आपका नागवंशी राजा को महाराजा कहा जाता था या महाराज कहा जाता था ध्यान रखेंगे और वह प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु मानते थे किसको आपका राजा को ही तो राजा को क्या कहा जाता था आपका महाराजा कहा जाता था ध्यान रखेंगे है ना प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु मानते थे किसको आपका सर्वोच्च बिंदु माना जाता है राजा को ही मानते हैं ध्यान रखेंगे यानी जो आपका सबसे बड़ा यही सर लग रहा है पेपर आप ही सेट करेंगे अरे नहीं सर हम क्यों सेट करेंगे ठीक है अब इसके जो सहयोगी अधिकारी हुआ करते थे है ना ध्यान रखेंगे दोस्तों जो सहयोगी अधिकारी हुआ करते थे उन अधिकारियों का नाम अभी हमने जो है पिछले स्लाइड में लिखा था है ना पिछले स्लाइड में लिखा था जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रमुख अधिकारियों में जैसे आपको देखिएगा दीवान हो गया है ना आपका अगर हम ठाकुर की बात करें तो ये हो गया है ना पांडे की बात करते हैं ये सब के काम जो है एक तरह से अलग अलग बटे हुए थे ध्यान रख लीजिएगा इसके अलावा जो आपका कुंवर हो गया कुंवर हो गया आपका लाल हो गया ये सारे अधिकारी हुआ करते थे और आप सबको जानकर हैरानी होगी इनको भी राजा कहकर बुलाया जाता था ठीक है राजा कहा जाता था इनको भी कहा जाता था तो राजा जो है आपका बेसिकली महाराजा कहलाता था या महाराज कहलाता था और जो है आपका ठीक है दीवान ठाकुर पांडे कुंवर लाल जो कि सहयोगी अधिकारी हुआ करते थे राजा के इनको भी राजा कहा जाता था है ना इनको भी क्या कहा जाता था आपका राजा कहा जाता कहा जाता था और बेसिकली ये जितने सारे थे ये सारे के सारे राज परिवार से ही हुआ करते थे किससे राज परिवार से ही संबंधित हुआ करते थे यानी जो आपका बाहरी लोगों को नहीं बल्कि जो आपका राजघराने के लोगों को ही एक तरह से इन पदों पर भेजा जाता था याद रख लीजिएगा जैसे अगर देखिएगा बड़कागढ़ के राजा कौन थे आपका ठाकुर विश्वनाथ सहादेव बड़कागढ़ जो कि आपका जो है धुरवा वाला जो क्षेत्र है वो है ना इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है, ये कंसेप्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा है ना याद रखना पड़ेगा अब राजा के जो प्रमुख सहयोगी अधिकारी हैं उसमें से आपका अगर देखिएगा तो सबसे प्रमुख आपका कौन है दीवान दीवान जो है आपका बेसिकली क्या है ये वित्तीय मामलों का प्रमुख हुआ करता था ठीक है ध्यान रखेंगे वित्तीय मामलों का प्रमुख मामलों का प्रमुख यानी जो एक तरह से कह सकते हैं आप क्या हेड ऑफ दी फाइनेंशियल अफेयर्स ठीक है वित्तीय मामलों का प्रमुख हुआ करता था यह दीवान का काम हुआ करता था ध्यान रखेंगे ठीक है वहीं अगर हम बात करते हैं पांडे की ठीक है पांडे तो पंच में या पढ़ा राजा की अनुमति के लिए ध्यान रख लीजिएगा पंच पंच का मतलब जहां पर जैसे फैसला वगैरह सुनाया जाता है वो वो तो पंच में या फिर पढ़ा राजा पढ़ा राजा बेसिकली जो आपका यूं कह सकते हैं राजा कह लीजिए कि अनुमति से जो है आपका क्या करता था आपका ये अनुमति से ठीक है क्योंकि कोई भी चीज अगर इसको यह करना है ठीक है अनुमति से लिया गया जो निर्णय होता था उसको मौखिक रूप से सभी को एक तरह से बताता था ठीक है पंच में या पढ़ा राजा की अनुमति से लिया गया निर्णय को निर्णय को सभी तक पहुंचाना एक कायदे से देखा जाए तो एक तरह से मैसेंजर की तरह काम करता था ध्यान रखेंगे तो पंच में या पढ़ा राजा की अनुमति से लिए गए निर्णय को मौखिक रूप से ठीक है मौखिक रूप से एक तरह से लोगों तक पहुंचाना या लोगों को एक तरह से जानकारी देना एक तरह से काम हुआ करता था यानी कायदे से देखा जाए तो पांडे का काम क्या आपका एक तरह के मैसेंजर की तरह काम है हालांकि मैसेंजर शब्द का प्रयोग नहीं होता है लेकिन मैसेंजर यानी जो आपका संदेशवाहक की तरह काम हुआ करता था ध्यान रखेंगे लेकिन यह वही आ, न्यूज को पहुंचाता था, था लोगों तक जो एक तरह से पंच में या पढ़ा राजा के द्वारा निर्णय लिया गया हो जिनकी अनुमति से ही हवाई अड्डा नाम का प्लेस है सर देखिए अगर किताबों में गलत लिखा हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ठीक है ठीके? लेकिन जो है एक तरह से क्या है कि जैसे कई सारी किताबों में हजारीबाग में एयरपोर्ट का उल्लेख मिलता है और इसीलिए मैंने जो है एक तरह से बताया ठीक है संदीप देव चलिए तो ये सब ध्यान रखिए अब जितना आपको बताया उसमें से इस जो है क्या है ना कुछ सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अब आंसर करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है चलिए सबसे पहला नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे ऑफ नागवंशी डायनेस्टी दुर्जन साल मुकुट राय छत्रसाल या फिर मेदनी राय आंसर करने की कोशिश कीजिए चलिए बहुत बढ़िया तो जिन्होंने भी आंसर किया है आपका फनी मुकुट राय यही हो जाएगा आपका सही उत्तर फनी मुकुट राय तो याद रखिएगा इन्होंने जो आपका चौसठ ईस्वी में जो है एक तरह से नागवंश की स्थापना की है ना नागवंश की स्थापना इन्होंने की इसके अलावा ध्यान रख लीजिएगा इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो था आपका सुतियांबे राजधानी जो आपका वो सुतियांबे हुआ करता था और इसी सूत्याम्बे में इन्होंने जो आपका यहाँ पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा अपने राज्य में इन्होंने गैर जनजातियों को भी आश्रय दिया और उसी में से अपना दीवान जो बनाया था इन्होंने किसको आपका भावराय श्रीवास्तव को है ना भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था ध्यान रख लीजिएगा और फणी मुकुट राय को ही जो आपका प्रथम प्रथम सदान कहा जाता है सदान झारखंड का झारखंड का ठीक है सदान का मतलब गैर आदिवासी मूलवासी को कहते हैं गैर आदिवासी आदिवासी मूलवासी को क्या कहा जाता है आपका उसको कहते हैं आपका सदान कहते हैं तो ये पहले सदान माने जाते हैं याद रखेंगे दोस्तों ठीक है अगला सवाल है नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला कर यानी नजराना को क्या कहा जाता था मालगुजारी भूमिकर पेशकश कर या जागीर कर महिला आंचल के लेखक यही है क्या महिला आंचल के लेखक अरे सर वो फनीश्वर नाथ रेणु हैं वो फनीश्वर नाथ रेणु हैं ठीक है थीके? फनी नहीं, <laughs> फनिमुकुटराय नहींकुटरा में अंतर ही नहीं समझ में आ रहे हो <laughs> अरे भाई <laughs> तो जो नियमित कर दिया जाता था उसे क्या बोलते थे आपका मालगुजारी कहा जाता था किसे कौन क्या कहते थे मालगुजारी तो शुरुआती समय में समझ लीजिए कि कौन ये वसूलता था आम लोगों से मानकी मानकी के बाद कौन आया आपका इसके बाद आया आपका भूंहर भूहर भूहर के बाद कौन आया आपका वो आया जागीरदार ठीक है जागीरदार जागीरदार के बाद सीधे आया कौन आपका तो वो जमींदार है ना जमींदार तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं चेंज हुआ कर वसूलने के लिए समझ सकते हैं आपका कितना सारा एक तरह से चौचलेबाजी की गई थी ठीक है तो ये जो आपका शुरुआती समय में समझ सकते हैं ये जो आपका मुगलों के टाइम पीरियड में एक तरह से हुआ करता था मुगल मुगलों के समय और जो है आपका जागीरदार या फिर जो है आपका जमींदार कह सकते हैं ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में ध्यान रखेंगे है ना चलिए तो इसके बाद जो है आपका पेशकश क्या हुआ करता था तो अनियमित कर जो एक तरह से समय समय पर मांगने पर दिया जाता उसके पेशकश कहते थे अगला है मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था बाय वॉट नेम वर दी मानकी पीपल नोन दी नागवंशी रूलर मुसहर भूहर जागीरदार या फिर करटाहा मानकी भुईहर जागीरदार चलिए बताइए जितने सारे लोग लाइव हैं थोड़ा सा एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए भाई ठीक है थोड़ा क्या कर देना है आपका शेयर भी कर देना है चलिए काफी काफी बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अभी कुछ देर पहले बताए भूहर है ना भूहर हालांकि देखिए आपको बता दूं ये जो आपका जब भूहर की बात आती है ना तो भूहर जो है मेनली किसको कहा जाता है आपका उराव को कहा जाता है ठीक है और उराव के द्वारा जो जमीन बनाई गई उसे भूहरी जमीन कहते हैं क्या बोलते हैं भूईहरी भूमि कहा जाता है और यह भूहरी भूमि बेसिकली क्या आपका उराव की भूमि है उराव की भूमि को भूहरी भूमि कहा जाता है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहां पे नागवंशी शासन व्यवस्था में तो नागवंशी शासन व्यवस्था में दरअसल जो आपका मानकी लोगों को ही जो आपका बाद में क्या कहा जाता है आपका भूहर कहा जाता है ध्यान रखेंगे जिसे जो आपका पट्टी का प्रमुख बनाया जाता है किसको बनाया जाता है आपका पट्टी का प्रमुख बनाया जाता है अगला नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था नागवंशी डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड इन फोर्थ सेंचुरी इन दी फोर्थ सेंचुरी इन दी सेवेंथ सेंचुरी या इन दी नाइन्थ सेंचुरी सर आप हाँ जी सर पढ़ाए हैं ठीक है और मेरे ख्याल से नवंबर में फिर से शुरू होगा नवंबर में फिर से शुरू होगा सर चलिए बहुत बढ़िया तो देखिए अगर हम बात करते हैं 64 फोर एडी चौसठ ईस्वी तो क्या होगा ये ये होगा आपका फर्स्ट सेंचुरी ही कहलाता है है ना यानी जो आपका एक से लेकर आपका जो है 99 नाइन ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड होगा वो फर्स्ट सेंचुरी कहलाएगा ध्यान रख लीजिएगा है ना तो यहां पर याद रखेंगे पहली शताब्दी में ही जो है इसका निर्माण हुआ था ठीक है किसके द्वारा तो याद रखेंगे दोस्तों बाय फनी मुकुट राय फनी मुकुट राय है ना फनी मुकुट राय बाकी अगर अकॉर्डिंग टू जे रीड ये जे है ठीक है जे रीड ये बना आपका टेंथ सेंचुरी में ठीक है, ओके अगला सवाल है नागवंशी शासन व्यवस्था में मुगल काल में लगान वसूली करने हेतु इनकी नियुक्ति की गई ही वॉज अपॉइंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड अंडर दी नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन मुसहर भूहर जागीरदार या करटाहा बताइए किसकी नियुक्ति की गई थी जे रीड कौन था जे... होंगे कोई राइटर वगैरह होंगे भाई ठीक है अब मुझे थोड़ी पता उनके बारे में ठीक है कोई होंगे फेमस राइटर अरे बाबा जागीरदार देखिए किस में है आपका मुगल काल में है मुगल काल में किसकी नियुक्ति की, की गई थी काफी लोग कह रहे हैं सी 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 चलिए बढ़िया तो याद रखेंगे ठीक है यह नियुक्ति की गई थी किसकी आपका अभी कुछ देर पहले बताए थे यह भूहर की नियुक्ति की गई थी पहले मानकी हुआ करता था मानकी के जगह पे जवाब किसको अपॉइंट कर दिया गया आपका भूईहर को कर दिया गया यह जागीरदार तो आया कब आपका यह ब्रिटिश टाइम में आया ब्रिटिश टाइम में एक तरह से आया ठीक है ब्रिटिश टाइम में मतलब ब्रिटिश टाइम में अगर देखिएगा तो यह आया आपका कौन जागीरदार ठीक है जागीरदार से कुछ नहीं हो पाया ठीक है तब जाके जो है से क्या हुआ आपका ठीक है जो ए, आ, क्या बोलते हैं आपका विटली को अपॉइंट किया गया किसको विटली को कलेक्टर बनाया गया नहीं हुआ तो चैपमैन को बना, अधिकारी बनाकर भेजा गया चैपमैन को नहीं हुआ तब जाके जो है क्या किया गया आपका आ, ये आ, सेवेंटीन नाइनटी टू नाइनटी में जो आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एक तरह से यह किया गया है ना और जो है बना दिया गया सीधे भैया जागीरदार रहोगे ना जो आपका कोई अधिकारी सीधे बन जाओ जमींदार है ना राजा का पद खत्म हो गया और राजा बन गया सीधे जमींदार है ना याद रखें सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे अरे सर पढ़ रहे हैं सर वो ऊपर चला गया होगा है ना एक दो एक दो नहीं ना है मतलब काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो ऊपर चला जाता है चलिए अगला सवाल है नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी नागवंशी रूलर फनी मुकुट राय मेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कैपिटल रातू और मांझी सुत्यांबे या नामकोम ये जैसा सवाल है अरे जय भीम मानव Easy है है ना सुतियां याद रखिएगा नागवंशियों की राजधानी जो है ना बड़ा ही एक आ, ट्रिक है आपका नागवंशियों की कैपिटल याद रखने का ठीक है मैंने कई बार बताया है ट्रिक टू रिमेंबर द कैपिटल सिटी ऑफ नागवंशी सच खोदो पापा है ना क्या याद रख लीजिएगा सच खोदो पापा पापा कहां पे रातुगढ़ में तभी जाके मिलेगी ठीक है नागवंशियों के बारे में जानकारी स से क्या हो जाएगा आपका सुतियांबे सुतियांबे ठीक है च से क्या हो जाएगा आपका चुटिया है ना खो से क्या हो जाएगा आपका खोखरा खोखरा ठीक है दो से क्या हो जाएगा आपका दोइसा दो, इसा, दो इसा, पास है क्या हो जाएगा आपका पालकोट पालकोट फिर दूसरा पास है क्या होगा आपका पालकोट भौरो पालकोट भौरो और रातूगढ़ से आपका लास्ट हो जाएगा रातूगढ़ रातूगढ़ लास्ट कैपिटल सच खो दो पापा है ना तो याद हो जाएगा ना आसानी से जी हाँ याद हो जाएगा ना इजी है सर बड़ा इजी है सच खोदो पापा रातूगढ़ में सारे याद हो गए रामगढ़ राजधानी अगर याद रखना हो तो रामगढ़ का अगर हम बात करेंगे रामगढ़ राज की तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था आप सभी को ठीक है एस यू बी सब आर आई पी रेस्ट इन पीस सा से सिसिया यू से उर्दा बी से बादम आर से रामगढ़ आई से इचाक और पी से पदमा ठीक है सिसिया वॉज दी फर्स्ट कैपिटल वेर एज पदमा वॉज दी लास्ट कैपिटल ऑफ रामगढ़ राज अगला नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई थी हु अमंग फॉलोइंग हुन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्टिंग ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम दी जनरल पब्लिक इन नागवंशी गवर्नमेंट सिस्टम मानकी मुंडा महतो या माझी सर एग्ज़ाम में फर्स्ट और लास्ट पूछता है ना सर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट दी जी हाँ पालकोट गुमला में है वाज नॉट दी कैपिटल ऑफ नागवंशी और रामगढ़ राज तो वैसे में आपको याद रखना पड़ेगा कि सारे के सारे जो है जगह अगर याद हो गया तो आप आसानी से बना पाएंगे नहीं तो फिर ढूंढते रहेंगे चलिए बहुत बढ़िया राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मानकी। अगला सवाल है नियमित मालगुजारी न देने के कारण में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था विच ऑफ नागवंशी रूलर वोज कैप्चर्ड बाई नॉट प्रोवाइडिंग रेगुलर टैक्सेस फनी मुकुट राय दुर्जन साल एनी शाह या मेदिनी राय है ना आपको याद होगा ये तो हमने कई बार बात किया है इसके बारे में ओके ग्रेट एंड द राइट आंसर विल बी दुर्जन साल है ना क्या होगा दुर्जन साल तो इसके ये जो है आपका उस समय कौन था आपका जहांगीर जहांगीर ठीक है जहांगीर ने किसको भेजा था तो वो भेजा था इब्राहिम खां को इब्राहिम खां को भेजा था ठीक है 1615 में से बिहार का सुबेदार बनाया गया था और इसने जो है आपका गिरफ्तार करके कितने सालों तक आपका 27 वर्ष तक सत्ताईस वर्ष तक ग्वालियर में कैद रखा गया था इसको हालांकि हीरे का पारखी था ये है ना हीरे का पारखी बोलते हैं और इसी कारण से ठीक है दरअसल जो आपका जहांगीर का बेटा था कौन आपका शाहुजा ठीक है शाहुजा जब बंगाल बिहार के क्षेत्रों से लेके गया पे आपका दिल्ली जो आपका कुछ हिरे तो पहचानने में असमर्थ रहा तो दुर्जन साल को बुलाया गया इसने पहचान दिया तो इसको छोड़ दिया गया और छह हजार रुपया जो आपका ठीक है एनुअल टैक्स एक तरह से निर्धारित कर दिया गया एनुअल टैक्स निर्धारित कर दिया गया हालांकि ये अलग बात है कि बढ़ा दी जाती है बाद में है ना और इस कारण से देखिएगा सोलह सौ उनचालीस चालीस में क्या हो जाती है इनकी डेथ भी हो जाती है ठीक है इनकी डेथ भी हो जाती है अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था हुमायूं जहांगीर अकबर या शाहजहां यह तो इजी है अभी जस्ट सर, सर, उपाधि दी गई थी ठीक है शाह बेसिकली ये इसका नाम था साल, है ना ये नागवंशी शासक दुर्जन साल था इसको शाह की उपाधि दी गई थी आई थिंक ट्वेल्व ईयर्स ऑफ कस्टडी पीरियड जी हाँ सर ट्वेल्व ईयर्स था और ये जहांगीर है ना जहांगीर याद रख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सत्रह ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निविखित में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए मद्रास काउंसिल कोलकाता काउंसिल पटना काउंसिल या बॉम्बे काउंसिल अभी कुछ देर पहले बताया था ना और एप्लीकेशन पर कल से क्लास होने वाली है ठीक है आपको जो है चैप्टर वाइज एम सी क्यू में करवाने वाला हूँ उसकी जानकारी मैं जल्दी ही दे दूंगा ठीक है हालांकि टाइम जो है अगर क्लैश कर रही है तो वो मैं चेंज कर दूंगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता दूँ कि जो आपका शाम को पाँच से छः होगा है ना शाम को पाँच से छः तो याद होगा कुछ देर पहले अपन बात किए थे ये हो जाएगा आपका पटना काउंसिल है ना क्या होगा दोस्तों पटना काउंसिल विल बी दी राइट आंसर सो कैसा लगा आपको थोड़ा बोर तो फील किए होंगे फिर भी अपने हिसाब से रेटिंग दे दीजिएगा बेकार एक ठीक ठाक दो ठीक तीन अच्छा चार बहुत अच्छा पाँच ठीक है बाकी अदर जो शासन व्यवस्थाएं वो भी कवर करवाएंगे ठीक है हालांकि जो है अगर आप चाहेंगे तो जेपीएससी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं पूरा झारखंड जो है कवर करवाने वाला हूं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ठीक है बाकी जो कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं यू के के टेन रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा जो भी आप अन अकेडमी में कोर्स ज्वाइन करते हैं उसके लिए सो so दैट आपको जो है एक तरह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो प्राइसिंग आपको देखने मिलती है उससे जो आपको कम फी में ही एक तरह से मिल जाएगा अगर आप यू के के टेन रेफरल कोड को यूज करते हैं सो ठीक है so, जरूर यूज करें बाकी बात यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल हैं ठीक है फ्री में ये सारे इसके अलावा एप्लीकेशन पर मैं आपको करवाने वाला हूं ठीक है यह भी फ्री क्लासेस ही होंगी ठीक है फ्री क्लासेस होंगी तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं कभी भी इन फ्री क्लासेस को स्पेशल क्लासेस कहा जाता है इसलिए लिखा मैंने स्पेशल क्लास ऑन अनकेडमी और, अन और यह स्टार्ट हो रही है स्टार्ट फ्रॉम टुमारो स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो ठीक है अब जो है आ, एट फाइव पीएम एम ठीक है शाम को पाँच बजे से एक तरह से ये शुरू होगी दोस्तों तो आप एक तरह से ज्वाइन कर सकते हैं है ना यूट्यूब पर भी होगा सर यूट्यूब पे तो मैं करवा ही रहा हूँ ठीक है यूट्यूब पर मैं करवा ही रहा हूँ लेकिन ये स्पेशल क्लासेस होगी अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर वहाँ पर ना तो कोई ऐड मिलेगा ना नो कोई नोटिफिकेशन और कुछ नहीं ठीक है तो बाकी बात जो है एक तरह से, से आ, आपको बता ही दिया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो एप्लीकेशन पर क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ आपको जो है वहीं पर आधे घंटे बाद ही मिल जाती है तो आप वहाँ पर एक तरह से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगली क्लास में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू टेक केयर एवरीवन। बाय बाय जय हिंद एंड सभी को जोहार